हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम मीना है और आज सुबह के 8 बज गए हैं। आज संडे है, संडे के कारण हम परौंठे बनाते हैं हर संडे में, इसलिए आज भी संडे में परौंठे बने। पर आज संडे में मैं नहीं परौंठे बना रही हूँ, मेरी बेटी संचिका बना रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये संचिका परौंठे बना रही है और हम खाएँगे आज। आज कह रही थी कि आप परौंठे खाओ और मैं बनाती हूँ। अब हम गर्मा गर्म परौंठे खाएंगे। गाइस देखिए, मैं चाय परौंठा खा रही हूँ। आज मैं बनते बनते परौंठे खाऊंगी। मेरे को चाय परौंठा ज़्यादा पसंद है, दही के साथ नहीं मैं पसंद करती। सभी दही के साथ खाते हैं, मैं चाय के साथ खाती हूँ। गर्मा गर्म चाय। गाइस अब हम खा रहे हैं मैगी। आयुष कह रहा है मैंने खेलने जाना है। मैंने कहा पहले मैगी का चैलेंज होगा, अगर जीत गया तो खेलने जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है आयुष? ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब खाते खाते टीवी देख रहे हैं ना, इसलिए उस तरफ देख रहे हैं। गाइस खा लीजिए आप भी। मैं मैगी बहुत कम खाती हूँ, आ जाइए कह रहा था मैगी खानी। मैंने मजा गाइस इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, खाने की स्पीड तो बहुत है। हर वक्त यही जीत जाता है गाइस। अभी तक मैं खा रहा हूँ, मेरे से ना गर्म चीज़ नहीं खाई जाती, मैं थोड़ी ठंडी ठंडी करके खाती हूँ, जैसे अभी गर्म खा लेते हैं गाइस। मैं तो चाय पीती हूँ। मम्मा लूजर, अब मैं खेलने जा सकता हूँ, मम्मा मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, आपने चैलेंज लगाया था मुझसे, वीडियो बदल जाती। ओके बाय, राधे राधे, राधे राधे। हेलो गाइस, शाम के 7 बज गए हैं। अभी आज रविवार है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा ख्वाजा का दलिया चढ़ाने जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है, काफ़ी भीड़ है उस तरफ, इसलिए मैं बाहर आकर देखने लगी। आज तो बच्चे भी नहीं खेलने आए हैं, बस लोग दलिया चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, लोग ख्वाजा का दलिया चढ़ा रहे हैं तालाब पर जाकर। उधर वो सामने दो मंजिली मकान पड़ा हुआ था, पर पुराना था, अभी तोड़कर दोबारा नया बनाने शुरू किया है।
बनाना शुरू नहीं किया अभी, उसको तोड़ रही है, पुराना है ना, इसकी ईंटें काम आ जाएगी। ये देखिए इसकी ईंटें काम आ जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है पुराने ज़माने के बहुत ज़्यादा। जब मैं शादी कर होकर आई थी तब जहाँ पर पुराने ज़माने के मकान हुआ करते थे ऐसे ही, जो अब तो हमारे पूरे गांव में दूसरे नए मकान बन गया। वो बार देखो वो मकान भी टूटा करता है। हाँ राधे राधे, जा रही है झुंगी को तमन्ना के साथ, वो तमन्ना के घर जा रही है इधर। ये देखिए तमन्ना उन जी घिया तोरी की बेल लगाई हुई है, ये वाली घिया तोरी के इन्होंने देखो सर्दियों के लिए लकड़ियां इकट्ठी की है। ये ना ज़्यादा करके चूल्हे पर काम करते हैं ना, इसलिए ये सर्दियों के लिए लकड़ियां इकट्ठियां करती है। इस पर बेल लगाई हुई है ये वाली, ये देखिए ये बेल लगाई हुई है। ये अंश है आयुष का दोस्त, वो देखिए तमन्ना और सांची जा रहे हैं झुंगी को जा रहे हैं, वो लाइनिंग लेने, तमन्ना ने सूट सिलना दिया है मेरे को, उसकी लाइनिंग लेने जा रही है। बाय बाय, सामने एक्सप्रेस बस आई है, लोग चढ़ रहे हैं। इधर गढ़शंकर की ओर से तो काफ़ी बसें आती है, लेकिन नंगल और ऊना की तरफ से अभी कोई बस नहीं आएगी, क्योंकि ये शाम के 5:30 बजे के बाद में कोई बस नहीं आती है। हमें भी अगर नंगल नुंगल जाना हो तो आसान रहता है, पर वहाँ से आना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सामने देखिए वो लोग ख्वाजा को दलिया देकर आ रहे हैं। के अंदर जा रही हूँ, हस्बैंड जी सब्जी बना रहे हैं, मैं देखती हूँ। आज हम कढ़ी बना रहे हैं, वो कह रहे थे पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊंगा, देखते हैं कौन सी बना रहे हैं, कौन वाली है, कौन सी कढ़ी बना रहे हैं। ये हो रहा है कढ़ी का सामान तैयार, ये पकौड़े बन गए हैं, एक खाकर देखती हूँ। तुड़का लग रहा है, ये देखिए कढ़ी के लिए तैयार हो रहा है, दही में बेसन डालकर। मैं कपड़े सिल रही थी, मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखाया जाए बाहर का व्यू और अंदर का भी कैसा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उठी। एक तो दोपहर के संडे के दिन तो वैसे भी टाइम नहीं लगता है, दोपहर के 12 बज जाते हैं घर का काम करते करते, क्योंकि आज का दिन बच्चे भी देर से उठते हैं और मैं भी थोड़ा देर से उठती हूँ, इसलिए दोपहर हो जाती है। अभी कपड़े सिलूँगी लोगों के जाने, एक तो ना वीडियो बनाने की खातर काफ़ी कम कपड़े सिले जा रहे हैं। अब सोच रही हूँ बीच बीच में थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, तो इसलिए मैं कम वीडियो बना रही हूँ, शॉर्ट बना रही हूँ। छत पर लगा ले जाकर भी दिखाती हूँ, आज का खेतों में कितनी कितनी बड़ी मक्की हो गई है और आसपास भी हरियाली हरियाली हो गई है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हमारे यहाँ बारिश पड़ रही है, इसलिए थोड़ा मौसम में ठंडक भी आई है, गर्मी कम हुई है और हरियाली भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब चारों तरफ बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, वो सामने सूरज बादलों से ढका हुआ है, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, बादल ही बादल है चारों तरफ। आज तो कम बारिश हुई है, कम के बहुत ज़्यादा कम हुई है, पर 2 दिन हो गए बारिश कब काफ़ी पड़ रही थी। ये देखिए तमन्ना उनके खेत की, तमन्ना उनके खेत की मक्की काफ़ी कम हुई है, ज़्यादा तो घास ही है, बीच में गुड़ाई भी की थी पर घास फिर से हो जाता है।
मम्मी खाना खा रहे हैं, मम्मी जल्दी खाना खा लेती है इसलिए वो इस वक्त खाती हैं। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, मम्मी 2 टाइम खाती है इसलिए जल्दी खा ले है। सब्जी पड़ी हुई थी तो मम्मी ने रोटी बनवा ली और अब खाना खा रहे हैं। सामने मंदिर में भेंटे लगी है, शाम और सुबह दोनों टाइम यहाँ पर गाने लगते हैं भगवानों के। थोड़ी थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी। सामने बच्चे भी खेल रहे हैं क्रिकेट। हमारा खाटू श्याम का एक झंडा पता नहीं कहाँ चल गया, श्री राम जी का रह गया है। एक दिन बहुत अंधेरी आई थी, वो मेरे को लगता है उड़ गया, सिर्फ डंडा रह गया, ये वाला डंडा रह गया, झंडा उड़ गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। छत के ऊपर से हरियाली ही हरियाली खेतों में दिखाई दे रही है, दूर दूर तक देखो खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जहाँ घर है एक साइड इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी खेत वो जो सारे जगह है ना वो सब खेत ही खेत है, बस घर हमारे इधर 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 सब इकट्ठे घर है हमारे गांव में, खेतों में घर नहीं है। जहाँ पर आगे यहाँ से खेत ही खेत है, बस घर नहीं है। वो जो सामने दिखाई दे वो गन्ने का रस करने के बनाया हुआ है, जहाँ पर गन्ने का रस निकलता है। आज हमने बनाई है कड़ी चावल और चपाती। ये थाली आयुष के पापा की है, ये लीजिए खा लीजिए अपनी थाली। अभी हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं, ये सांची, ये आयुष, ये हस्बैंड जी और ये मैं हूँ बनाने। अभी हम रात का खाना खा रहे हैं, आज कड़ी चावल आपको दिखाया है, कड़ी चावल बने हैं। मेरे को कड़ी चावल बहुत पसंद है, फुलका तो मैं खाती नहीं हूँ, मैं पहाड़न हूँ पहाड़ियों की तरह चावल ही चावल दे दो जितने मर्जी खा लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें।